जुम्मा 9 मई को, वो तो हम सारे कह रहे हैं कि 9 मई को जो जो भी तोड़फोड़ हुई हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं, हम भी सारे अपनी फौज के साथ खड़े हैं, वो तो हम सब भी कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छिड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी नीचे जा रही है, इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, जब आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, मुल्क को तो निकाल लें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। लेकिन फैसला कर लें, टाइम ना, इस वक्त मैं कोई अपनी पावर के लिए ये नहीं कह रहा, मैं अपने मुल्क की अब बात कर रहा हूं, सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इस मुल्क को तबाह ना करें। इस मुल्क में सिर्फ जिन लोगों का जीना मरना यहां है, वो इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो गया है रहना, जो छोड़ के जा सकते हैं 9 लाख से ऊपर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, और जिन लोगों के इस वक्त इख्तदार में बैठे हुए हैं और जिनके साथ एस्टैब्लिशमेंट है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, डॉलर में पैसे हैं, रुपया गिरता जाए उनको तो फर्क ही नहीं पड़ना, लेकिन इस कौम को फर्क पड़ रहा है, इसलिए जल्दी फैसला करें, 4 हफ्ते के बाद जितने तोड़ने हैं तोड़ लें, फिर इलेक्शन करवा दें। शुक्रिया।